और इस समय माननीय प्रधानमंत्री तीसरे इंस्टॉलेशन का अवलोकन कर रहे हैं जो शौचालय का निर्माण करती रानी मिस्त्रियों की है। झारखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने तो तकनीकी परीक्षण भी लिया और बन गई रानी मिस्त्री। ये हुनरमंद महिलाएं सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक बनी। समय माननीय विभिन्न कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। और यहां से माननीय प्रधानमंत्री मुख्य प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस मुख्य द्वार पर ही इस विशेष अवसर को दर्शाती पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण करते माननीय प्रधानमंत्री। और बटन दबाकर ही इस स्वच्छता केंद्र के मुख्य गेट को भी खोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। रिमोट से गेट खुल रहा है और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो देश में स्वच्छता की जंग को ही प्रदर्शित कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित कर रहा है, रोचक तरीके से स्वच्छ भारत के प्रयास और पहल को यहां प्रदर्शित किया गया है। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का परिसर जितना खूबसूरत है, वहीं ये केंद्र भी खूबसूरत है। इस केंद्र के मुख्य हॉल्स में प्रवेश कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। यहां दो हॉल बनाए गए हैं। पहले हॉल में प्रवेश से पहले एक दीवार पर प्रदर्शित किया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन, यानी दिल्ली घोषणा पत्र, जिस पर दिल्ली में ही हस्ताक्षर हुए थे। और अब माननीय प्रधानमंत्री पहले हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, जो बेहद खास है क्योंकि ये 360 डिग्री रिवॉल्विंग थिएटर है जिसमें गोलाकार में स्क्रीन लगी हुई है। इसी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी भारत की स्वच्छता की कहानी। हालांकि स्क्रीन के पीछे तीन सेट भी बने हैं, एक गांधी जी पर है, दूसरा प्रधानमंत्री पर और तीसरा खुले में शौच से मुक्त गांव पर। दरअसल ये कहानी भारत की आजादी से पहले की है और इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं ये विशेष फिल्म। तो इसलिए आवश्यक है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए हम आपको ले चलें महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए। इस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान के सफर की कहानी। ये कहानी जो शुरू होती है पिछली सदी से। 1906 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के विचार रखा गया, वहां से ये कहानी। और यही वह कर्म भूमि थी जहां उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए स्वच्छता को सामुदायिक जीवन का आवश्यक अंग बनाया। दक्षिण अफ्रीका में स्थापित टॉलस्टॉय फार्म समुदाय और उसके बाद अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गांधी जी तथा हर कोई बिना अपवाद के या इस आशा के कि अन्य कोई ये अस्वच्छ कार्य करेगा, स्वयं बारी बारी से सफाई का काम करते थे। अधिकांश भारतीय जिस प्रकार से अस्वच्छ माहौल में रहते थे, उससे भली भांति परिचित गांधी जी ने स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व दिया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए वे साफ सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता महसूस करें।
ये अभ्यास उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वर्धा के सेवाग्राम में भी जारी रखा। अपने लेखों में भी वे सदैव स्वच्छता की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालयों की बुरी अवस्था है, साथ ही कहीं भी और सब जगह मल त्याग करने की हमारी बुरी आदत। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो न सिर्फ स्वतंत्र हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। उनके इस स्वप्न को आदर और महत्ता देते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री का यकीन था कि वैसे तो कई मसले थे जो भारत को हल करने थे, परंतु उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। और भारत तब तक स्वस्थ राष्ट्र नहीं बन सकता था जब तक कि वह इस बेहद पुरानी खुले में शौच की आदत का उन्मूलन नहीं कर लेता। एक ऐसी आदत जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती चली जा रही थी। एक ऐसी समस्या जो आजादी के बाद जनसंख्या बढ़ने से और भी विकराल हो गई थी। खुले में शौच से बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। महिलाओं को अंधेरे में अपनी निजता का सहारा ढूंढकर शौच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। प्रत्येक के लिए ये आदत न सिर्फ असुरक्षित थी बल्कि अस्वास्थ्यकर भी। ये तो हमारे सपनों का देश नहीं था, विकास का ये एक ऐसा पैमाना था जिससे देश ने नजर हटा ली थी। अनुमान करिए आजादी के समय देश के कितने प्रतिशत नागरिकों के पास शौचालय की सुविधा थी? मात्र 1%। 3 दशकों के बाद भी कमोबेश यही स्थिति थी। जब हमने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, एशियाई खेलों का आयोजन किया था, या फिर जब हम क्रिकेट का विश्व कप जीते थे, तब भी सिर्फ 2% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। 1980 के दशक में सरकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के साथ धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ, परंतु तब भी जब हम सदी के अंतिम वर्ष में नाभिकीय शक्ति बने, मात्र 18% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में अपना दूरदर्शी अभियान देश के सामने रखा, तब सिर्फ 39% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा थी। यही वह राष्ट्रीय शर्म थी जिसे स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बदल डालने का स्वप्न देखा था। उनकी चाह थी कि 2019 तक भारत स्वच्छ बन जाए। वह तिथि जो पूज्य बापू की 150वीं जन्मतिथि होगी, वह अवसर जब कृतज्ञ राष्ट्र उनके चिर प्रतीक्षित स्वप्न को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगा। प्रश्न था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा स्वप्न है? आइए देखें समस्या कितनी विशाल थी। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान लागू करने वाली टीमों को मात्र 5 वर्षों में 55 करोड़ भारतीयों को शौचालय की सुविधा दिलाकर खुले में शौच करने से रोकना था। जी हाँ, 55 करोड़। सारे विश्व में खुले में शौच करने वालों का 60% अकेले भारत में था। कल्पना करिए, दुनिया का हर दूसरा खुले
खुले में शौच कर रहा व्यक्ति एक भारतीय था। ये एक बड़ी चुनौती थी, सिर्फ व्यापकता और गति की ही नहीं बल्कि शर्म और संधारणीयता की भी। मात्र 60 महीनों में 55 करोड़ लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण भला कैसे संभव था? लोगों की सोच, आदतें और व्यवहार कैसे बदलेंगे? यदि शौचालय बन भी गए तो क्या लोग उनका उपयोग करेंगे और उनको साफ भी रखेंगे, खासकर ग्रामीण भारत में? इन सब का उत्तर छिपा था अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में। ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी के जन आंदोलन के स्वयंसेवक सत्याग्रही कहलाते थे, प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना ने हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर जिले के जिलाधिकारी, हर गांव के स्वयंसेवक को अनुप्रेरित किया, जिन्हें प्रधानमंत्री ने नाम दिया भारत के स्वच्छाग्रही। ये स्वच्छाग्रही ही थे जिन्होंने जमीन पर स्वच्छता प्रक्रिया का नेतृत्व किया। दरअसल उनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने आगे आकर पहल की, न सिर्फ लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण बदलने की बल्कि उन्हें भी आगे आकर स्वच्छाग्रही बनने को प्रेरित भी किया। जब दो गड्ढों वाले शौचालय को सही तकनीक के रूप में मान लिया गया, तब 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख, 700 जिलाधिकारियों, 6,00,000 स्वच्छाग्रहियों और करोड़ों भारतीयों ने मिलकर इस परिवर्तन को संभव बना दिया। इसमें शामिल थे ग्राम पंचायतों के मुखिया, स्वयंसेवी छात्र, नई नई प्रशिक्षित रानी मिस्त्रियां, युवा प्रोफेशनल और सितारे जिन्होंने अपना समय और प्रयास दोनों स्वेच्छा से इस कार्य में दिए। सच्चे अर्थों में ये एक जन आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन गुलामी से मुक्ति का था, परंतु ये आंदोलन बना खुले में शौच से मुक्ति का, अच्छे स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा भरे आनंदमय जीवन को जीने की स्वतंत्रता का। तो कैसे इस सपने को टीम भावना ने साकार किया? 2 अक्टूबर 2019 तक भारत 100% खुले में शौच से मुक्त हो गया। गर्व और उत्सव का क्षण था जब हर गांव ने स्वयं के खुले में शौच से मुक्त होने के स्वप्न को साकार करने पर गौरव यात्राएं निकाली और उत्सव मनाए। आंकड़ों में कहानी कहे तो 10.62 करोड़ शौचालयों का इन 5 वर्षों में निर्माण कराया गया। 6,00,000 गांव तथा 700 जिलों को आधारभूत मानवीय सम्मान की सुविधा मिली और इस प्रक्रिया में भारत ने एक और बड़ा मील का पत्थर लाद लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2030 के धारणीय विकास लक्ष्यों 6.2 में से हर किसी के लिए पर्याप्त शौच सुविधा को हमने निर्धारित लक्ष्य से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया। प्रधानमंत्री जी का अभियान सफल हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र ने एक अनूठी स्वतंत्रता प्राप्त की, एक स्वच्छ वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, बेहतर स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, सच्चे अर्थों में एक स्वच्छ भारत में एक सम्मान भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता। आज ये अभियान जारी है ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक सच्चे स्वच्छ भारत में हमारी स्वच्छ आदतें बनी रहें। नहीं तो माफ नहीं, अब काम करेंगे बात नहीं।
कहानी तब से शुरू होती है जब मेरा और आपका जन्म भी नहीं हुआ था। दरअसल ये कहानी भारत की आजादी से पहले की है, तो इसीलिए आवश्यक है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दूसरे हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ 11 जोन बनाए गए हैं। पहले जोन में जहाँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 5 सालों का प्रेरणादायक सफर प्रदर्शित है। यही नहीं बल्कि अखबारों की सुर्खियां बनी स्वच्छता की खबरें भी यहाँ प्रदर्शित हैं। 1933 में हरिजन पत्रिका में छपी खबर से लेकर आज के दौर के समाचार पत्रों की सुर्खियां भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। 2 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक के सफर को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के सफर को यहाँ विशिष्ट रूप से दिखाया गया है, जिसमें 6 लाख गांवों में 5 लाख स्वच्छाग्रहियों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार में बदलाव के अभियान को सफल बनाया। इस खंड में गांधी जी की मौलिक आवाज में भी आप सुन सकते हैं गांधी जी के सुविचार। गांधी जी's thoughts on importance of sanitation and cleanliness in daily lives have been captured creatively through hologram technology and audio visuals. 1937 में साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन में महात्मा गांधी ने लिखा था, एक आदर्श गांव तभी बन सकेगा जब वहां स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था होगी। An ideal village will be so constructed as to lend itself to perfect sanitation. माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त गांधी जी के विचारों को ही सुन रहे हैं। विचार जो ऑडियो के साथ साथ स्क्रीन पर संदेश के तौर पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री अब दूसरे खंड में प्रवेश कर गए हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन से पहले का दौर प्रदर्शित किया गया है, जब गंदगी और शौचालय ना होने से कैसे लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को तकलीफों का सामना करना पड़ता था। स्वास्थ्य समस्याएं, लड़कियों का स्कूल छोड़ देना, शौचालय न होने की वजह से महिलाओं के सामने सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी आती थी। इन मुश्किलों को लंबी लंबी स्क्रीन्स पर फिल्म के जरिए दिखाया गया है। अंधेरे में बाहर जाना, जानवरों का खतरा, सुरक्षा का खतरा, आंधी बारिश के बीच मजबूरी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, वृद्ध लोगों की मुश्किलें सब यहाँ प्रदर्शित की गई है। प्रधानमंत्री अब तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे खंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के ही बारे में विस्तृत तौर पर दिखाया गया है, लेकिन इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री चौथे खंड में प्रवेश कर गए हैं, और ये हिस्सा एक विशेष घटना की यादें ताजा करता है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कुंभ में स्वच्छता कर्मियों के चरण धोए थे और तब इस्तेमाल किए गए पात्र यहाँ प्रदर्शित हैं। लेकिन इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री अगले हिस्से में हैं, जहाँ स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाया गया है। यहाँ कंट्रोल जमीन पर दिए गए हैं और पैरों से छूकर विकल्प चुनने पर जानकारी स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ न केवल चुनौतियों को दर्शाया गया है, जिन्हें 4S के तौर पर प्रदर्शित किया गया है, विच मीन्स स्केल, स्पीड, स्टिग्मा एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा इस खंड में दिखाया गया है कि किसी गांव को खुले में शौच से मुक्त होने की क्या प्रक्रिया होगी। यही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के सामने आई चुनौतियों को हल करने के लिए 4P भी यहां दिखाया गया है, विच मीन्स पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन।
और अब माननीय प्रधानमंत्री पांचवें खंड में प्रवेश कर गए हैं। Now this is the fifth zone, which is the timeline zone. It is in dome shape and it provides list of years from 2014 to 2019. Prime Minister Narendra Modi has selected an option and whichever year is selected on the touch screen, the information pertaining to the particular year shows on the dome screen. The various milestones, launches, events, campaigns and other information of Swachh Bharat Mission reflects on the screen. So information of 6 years from 2014 to 2019 can be seen here on the screen. पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर उन्हें तमाम जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री छठे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। जिस खंड में माननीय प्रधानमंत्री खड़े हैं, ये महिलाओं को समर्पित है। मूक फिल्म के जरिए इस खंड में महिलाओं के स्वच्छ भारत मिशन में अहम योगदान को रेखांकित किया गया है कि किस तरह महिलाओं ने व्यवहार में परिवर्तन की जिम्मेदारी संभाली, महिला सरपंच अगवा की भूमिका में रही, रानी मिस्त्री का रोल भी अपनाया, स्वयंसेवी आशा कार्यकर्ताओं ने भी गांव वालों को जागरूक किया। महिलाओं के योगदान को समर्पित है ये खंड। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का मुख्य श्रेय भारतीय महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व को ही जाता है, जो इस खंड में प्रदर्शित की गई है मूक फिल्म के जरिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं उस खंड का, जो स्वच्छता चैंपियंस को समर्पित है। स्वच्छता चैंपियंस वो सभी लोग जिन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने गांवों में स्वच्छता के लिए काम किया। हमारे देश के कोने कोने से ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलती रही हैं। आप भी यहाँ इनमें से कुछ प्रेरणादायक स्वच्छाग्रहियों के बारे में जान सकेंगे। और अब प्रधानमंत्री आठवें जोन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही इस जोन में दो गड्ढे वाला शौचालय यानी ट्विन पिट टॉयलेट कैसे काम करता है मॉडल के जरिए इसे दिखाया गया है, ताकि आसानी से समझा जा सके कि दो गड्ढे वाला शौचालय सस्ता और व्यवहारिक तो है ही। एक परिवार के मल से एक गड्ढा 5 साल में भर जाता है, फिर दूसरा गड्ढा प्रयोग किया जाता है और पहले गड्ढे में 1 साल बाद मिलती है सोन खाद। इसे मॉडल के जरिए माननीय प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री इस वक्त दूसरे हॉल से बाहर निकलते हुए, जहां जल शक्ति मंत्री उन्हें जानकारी दे रहे हैं इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में। और आप देख सकते हैं कि इस केंद्र के बाहर दीवारों पर खूबसूरत भित्ति चित्र बनाए गए हैं और पेंटिंग्स भी की गई हैं। तो दोनों हॉल्स का अवलोकन करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री प्रदर्शनी हॉल्स के बाहर की दीवारों पर बने खूबसूरत भित्ति चित्र को देख रहे हैं। स्वच्छता की कहानी बयां कर रहे हैं ये चित्र। Honorable Prime Minister taking a look at these murals which adorn the walls of these two exhibition halls of Rashtriya Swachhata Kendra. प्रधानमंत्री अब एक बार फिर दूसरे हॉल में ही दोबारा प्रवेश कर रहे हैं, जहां गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को प्रदर्शित किया गया है गुड बॉय और बैड बॉय के जरिए। इस खंड में पर्सनल हाइजीन की जानकारी दी गई है और वो भी रोचक तरीके से, कि टॉयलेट का प्रयोग करें, अपने हाथ अच्छे से धोएं, थूके नहीं, 6 फीट की दूरी रखें। और अब प्रधानमंत्री उस जोन में प्रवेश कर रहे हैं जो अत्यंत रोचक है। आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं फोटो बूथ पे। इस केंद्र का सेल्फी पॉइंट है ये,
जहां आप अपने पसंद के स्वच्छता एम्बेसडर के साथ विभिन्न स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी सामग्री का चयन करते हैं और अपने पसंद के ही किसी प्रसिद्ध स्वच्छ स्थान का चयन कर यादगार सेल्फी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां इस वक्त एक सेल्फी ले रहे हैं। तो इस सेल्फी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने चयन किया है महात्मा गांधी के बैकड्रॉप का। The next zone is interesting, where PM is being welcomed by Robo Shaucha Singh. इस जोन का बड़ा आकर्षण है रोबोट शौचा सिंह, जो इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। शौचा सिंह स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों अंधविश्वासों को भी दूर करता है। दरअसल शौचा सिंह स्वच्छता पर रेडियो कैंपेन का अहम हिस्सा रहा है। शौचा सिंह एक सेल्समैन भी है जो स्वच्छता सामग्री बेचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं इस खंड का, जहां विभिन्न खेल भी प्रदर्शित किए गए हैं। This zone is displaying the behavior change tools and initiatives in terms of interpersonal communication and information education and communication campaigns through audio visuals, pixel puzzles, and of course the famous Shaucha Singh Robo. और अब माननीय प्रधानमंत्री आखिरी खंड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पेज 11 स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर माननीय प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन इम्पैक्ट वॉल, एक इंटरैक्टिव सेक्शन जहाँ ग्राफिकली दिखाया गया है कि कैसे देश में स्वच्छता का दायरा धीरे धीरे बढ़कर 2 अक्टूबर 2019 तक 100% हो गया, जो आजादी के वक्त मात्र 1% से भी कम था। Also, the key findings of various surveys and studies conducted by various development partners have been showcased here. अब प्रधानमंत्री जिस खंड में हैं, यहाँ कई तरह के रोचक खेल प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त खेल रहे हैं कौन बनेगा स्वच्छाग्रही। एक रोचक खेल जिसमें क्विज है, जहां पे 8 सवालों के जवाब देने होते हैं और उनके जवाबों के आधार पर मिलता है स्कोर प्रतिशत में। कौन बनेगा स्वच्छाग्रही, जिसमें हर सवाल के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं और जवाबों के आधार पर प्रतिशत में बताया जाता है कि कितने बड़े स्वच्छाग्रही हैं आप। इसी तरह के विभिन्न खेल जैसे स्वच्छ गांव या स्वच्छाथॉन प्रदर्शित की गई है। इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छाथॉन देख रहे हैं, यानी स्वच्छ भारत पर मैराथन। ये खेल टेम्पर रन गेम पर आधारित है। इसमें आपको स्वच्छता और हाइजीन से जुड़ी सिचुएशन दी जाती है और दिए गए विकल्प में से एक चुनना होता है, जिसके आधार पर स्वास्थ्य स्कोर मिलता है। 2 विकल्प में से 1 विकल्प चुनते हुए आप यहाँ आगे बढ़ते हैं और अलग अलग सवाल आपको दिए जाते हैं। इसी तरह अलग अलग तरह की रोचक खेल इस खंड में प्रदर्शित हैं, जो आने वाले लोगों को खूब लुभाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्वच्छता से जुड़ी जानकारी भी टेस्ट करेंगे। इसी तरह आगे है कचरे से कंचन गेम। दिस इज अ सेंसर बेस्ड गेम। इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री कचरे से कंचन गेम देख रहे हैं, जहां खिलाड़ी को नीले और हरे 2 बिन दिए जाते हैं। हरे बिन में जैविक कचरा और नीले बिन में गैर जैविक कचरा डालना होता है। सही प्रयास के आधार पर स्कोर दिया जाता है।
खेलों के अलावा यहाँ प्रदर्शित की गई है ओटीएफ प्लस ग्राफिक वॉल। इस ग्राफिक वॉल पर आपको स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी ओटीएफ प्लस के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इस चरण में कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन का आखिरी पड़ाव होता है स्वच्छता शपथ, जिसमें डिजिटली ली जाती है स्वच्छता शपथ जो अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री ने ली, और ये शपथ ईमेल पर सर्टिफिकेट के तौर पर भी मिलती है, वरना इसको स्मृति चिन्ह केंद्र से भी लिया जा सकता है। आपने देखा कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता के सारे नियमों का पालन करते हुए कोविड के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। स्वच्छता हॉल से बाहर आते हुए माननीय प्रधानमंत्री जो इस वक्त हॉल के बाहर लगे म्यूरल्स के आगे एक फोटो ऑप होगा। इन दोनों प्रदर्शनी हॉल्स के बाहर की दीवारों पर ही बने हैं ये भित्ति चित्र जो आप पीछे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोजिंग अगेंस्ट दीज म्यूरल्स फॉर फोटो ऑप। इन भित्ति चित्र के सामने माननीय प्रधानमंत्री की फोटो ली जा रही है। ये विभिन्न भित्ति चित्र स्वच्छता की गाथा को ही दीवारों पर प्रदर्शित कर रहे हैं। And now, Honorable Prime Minister is moving towards the souvenir center. Souvenir center where he will be presented with the framed photo taken in the photo booth. A souvenir of Rashtriya Swachhata Kendra. Ye hai Rashtriya Swachhata Kendra ka Smriti Chinh Kendra. Photo booth mein li gayi Swachhata photo Smriti Chinh Kendra से ली जा सकती है, और इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने फोटो बूथ में फोटो ली थी यानी सेल्फी ली थी सेल्फी पॉइंट पर, उसी सेल्फी को फ्रेम्ड फोटो के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है इस स्मृति चिन्ह केंद्र में। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विभिन्न स्मृति चिन्ह इस केंद्र में प्रदर्शित किए गए हैं जिनका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी पर्यटक इस केंद्र में आएंगे वो इन स्मृति चिन्ह को ले जा सकते हैं, अ काइंड ऑफ मेमोरबेलिया ऑफ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। और अब माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में बने एम्फी थिएटर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों से रूबरू होंगे। देश के 36 राज्यों और यूटी से यहाँ एकत्रित हुए हैं 36 स्कूली छात्र जो अपने अपने क्षेत्र अपने अपने राज्य के पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हैं। एक यादगार लम्हा इन छात्रों के लिए, एक खास मौका जब ये भी कर सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री से अपने मन की बात। मैं कहूंगा महात्मा गांधी, आप सब बोलिए अमर रहे अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी गंदगी गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। आप सभी मास्क पहन करके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ 2 गज की दूरी भी बना करके बैठे हैं, चलते हैं। आप सब नियमों का जिस तरह से पालन कर रहे हैं
वो देख करके सचमुच में मन को बहुत आनंद हो रहा है। कोरोना से इस तरह लड़ाई, मैं समझता हूं कि इस लड़ाई लड़ने के यही हथियार है और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ा है। हमें बाहर भी निकलना है, अपनी गतिविधि भी करनी है और कोरोना से बचना भी है, और इसके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना और कहीं पर भी जहां मर्जी पड़े स्पीच करना, थूकने से हमने बचना है, वरना लोगों की आदत होती है। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र अंदर से देखा क्या? हाँ, जरा जोर से बोलिए ना। देखा? अच्छा, ये केंद्र कैसा लगा आपको? हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अनन्या सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मुझे ये ट्रेन सबसे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मुझे सबसे अच्छा हॉल 1 लगा, क्योंकि इसका जो थिएटर है वो 360 डिग्री घूमता है और इसमें जो हमें मूवी दिखाई गई मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला और मजा भी बहुत आया। कोई भी यहाँ आएगा तो उसको जरूर एक नया अनुभव होगा, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने टेक्नोलॉजी का कमाल भी देख लिया। अब आप बताइए, हाँ जय हिंद सर, मेरा नाम पॉल काजल सांग है। कहाँ से हैं सर? मैं मणिपुर से, मणिपुर से दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया। तो आप वैसे समय कितना लगा देते हैं वीडियो गेम में? समय वीडियो गेम्स खेलने में मजा जो आता है, इसलिए घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे आपसे। हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, आप मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट, हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है नॉर्थ ईस्ट से। साफ सफाई पर नॉर्थ ईस्ट में इतना बल दिया जाता है और एक प्रकार से वहां के व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में एक संस्कार है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट से यहां आए हैं, वीडियो गेम्स के साथ आपने आनंद भी लिया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ सीख भी है इन वीडियो गेम्स में। तो मैंने भी आज देखा, मेरे पास तो उतना समय नहीं होता है कि मैं खेलने के लिए बैठ जाऊं। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और कौन है? हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अदीबा बिलाल है, मैं दिल्ली से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ स्वच्छता पे क्विज खेली जो मुझे बहुत पसंद आई, इसमें मैंने बहुत मजे भी किए और फिर मैंने इसमें फुल मार्क्स तो हासिल भी किए हैं। तो कितना मार्क्स मिला? 100 out of 100। वाह, शाबाश। तो इसको कारण हो गया कि आपको अब मन करेगा, कोई भी क्विज कंपटीशन है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, हैं? आप जीत सकती हो। यस सर। पक्का? हाँ। देखिए, सभी बच्चों ने ये क्विज कंपटीशन में ट्राई करना चाहिए। इससे हमारा सोचने का तरीका, जल्दी से सोचने का तरीका, इन सारी चीजों को हमें एक ना आदत हो जाती है, उसके लाभ भी होता है और एक प्रकार से फ्रेशनेस, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, फ्रेशनेस रिफ्रेश हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी अंदर जुड़ती चली जाती है। हमारा कैपेसिटी सॉफ्टवेयर हमारा और तेज हो जाता है। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जय हिंद सर। सर, मैं आर शंकर तमिलनाडु से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। वनकम। वनकम सर। सर मैं सर मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटो बूथ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ दरवाजा टॉयलेट सामने फोटो खिंचाना अच्छा लगा। अच्छा सर, मैं ये फोटो अपने घर लेकर जाऊंगा और अपने कमरे में दरवाजे पर लगाऊंगा। वाह,
तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ये फोटो तो दरवाजा बंद की है, है? और सब हर किसी ने दरवाजा बंद के कल्चर को अपनाना होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। सर मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। अच्छा पूछिए। सर आपको यहाँ पे कौन सा जोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और पसंद आया? वैसे सब चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ पर गेट पर आते ही चश्मे वाला गेट बनाया गया है तो गांधी जी चश्मों की याद दिलाता है और अंदर बहुत सी जानकारियां हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा ही मेरा एक आकर्षण रहता है वो गांधी होलो जो बॉक्स है वो बहुत ही पसंद आया। यानी 3D में महात्मा जी को देखना जैसा लग रहा है अभी हमसे ही हमारे सामने खड़े हैं, उनके आवाज सुनना, उनके शब्दों को फिर से एक बार, उनका संदेश सुनना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी वो मुझे मौका मिल गया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जो गांधी जी बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बराबर बारीकी से सुना होगा। सुना है ना, याद रहेगा, अपने दोस्तों को बताएंगे। चलिए, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपको भी, बैठिए, स्वच्छता के विषय में उतनी रुचि है जितनी अन्य विषयों में भी है। अच्छा, आप में से कोई मुझे और कुछ कहना चाहता है क्या? तो मैं अपनी बात करूं अब, हैं? कोई है कि? हाँ बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मिडोना है, मैं गुजरात से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद, और हमें आना बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे स्वच्छता केंद्र देखा और उसमें हमें सबसे, हमने स्वच्छता शपथ भी ली। तो आपके हिसाब से हम बच्चे इसमें मदद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा बाहर आते ही समय सारे बच्चे वानर सेना किस प्रकार से गांवों के अंदर सिटी बजा करके जो लोग नियम कानून तोड़ते थे उनको रोकते थे। आपने देखा होगा बाहर पेड़ पे सब बनाया हुआ है। तो ये जो वानर सेना है यानी आप जैसे बच्चों की ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। मुझे कई लोग ऐसा कह रहे थे जब ये स्वच्छता अभियान, अब तो वो एक प्रकार से स्वभाव बन गया है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो लोग मुझे कहते थे कि हमारे बच्चे हमको परेशान करते हैं, बोले कहीं कोई चीज डाल दी तो घर में आकर के कह रहे हैं दादू इसको ठीक करो, ये ठीक नहीं कर रहा। और एक प्रकार से बच्चों ने इस मूवमेंट को बहुत चलाया, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे घर में कूड़ा कचरा है, इतनी आदत डाली है भाई, गीला कचरा एक बाजू, सूखा कचरा एक बाजू, आप अपने घर में अपने अड़ोस पड़ोस में सिखा सकते हैं। प्लास्टिक उपयोग नहीं करना, कहीं थूकना नहीं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सहज रूप से हम लोग कर सकते हैं और इसको भी स्वच्छता का आंदोलन हम बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस स्वच्छता केंद्र का मैसेज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएंगे और देश की जो वानर सेना है, ये हमारे जो बाल मित्र हैं, ये बाल मित्र बहुत बड़ा बदलाव स्वच्छता के क्षेत्र में खुद में से पूरे परिवार में ला सकते हैं। और इसलिए मेरा तो इस पूरे आंदोलन में अगर मेरी कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो ये मेरे बाल मित्र हैं, आप जैसे बाल मित्र हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी है, बहुत आगे बढ़ाया है। हर परिवार में बालकों ने जागरूकता के साथ इस काम को किया है। पिछले साल देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे स्वच्छता चैंपियन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। शहर से लेकर गांव तक और स्कूल से लेकर घर तक आप ही बड़ों को रास्ता दिखा सकते हैं कि वह साफ सफाई का ध्यान रखे। सबसे पहले तो अपने अपने घरों में ध्यान दीजिए और जैसा मैंने आपको कहा, गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग डिब्बे, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसको आप कीजिए
मुझे विश्वास है कि पक्का आप अच्छा परिणाम लाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। तो हम आगे चलें अब। आप लोग कितने बजे यहां पहुंचे थे? कितना समय गया अंदर? बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा हैं? देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आजादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में, 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के सपने की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। थोड़ी देर पहले जब मैं इस केंद्र के भीतर था, करोड़ों भारतीयों के प्रयासों का संकलन देखकर मैं मन ही मन उन सभी स्वच्छाग्रहियों को नमन कर रहा था। 6 साल पहले लाल किले की प्राचीर से शुरू हुए सफर के पल पल के चित्र मेरे स्मृति पटल पर आते गए। देश के कोने कोने में जिस प्रकार करोड़ों साथियों ने हर सीमा हर बंदिश को तोड़ते हुए एकजुट होकर एक स्वर में स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, उसको इस केंद्र में संजोया गया है। इस केंद्र में सत्याग्रह की प्रेरणा से स्वच्छाग्रह की हमारी यात्रा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और मैं ये भी देख रहा था कि स्वच्छता रोबोट तो यहां आए बच्चों के लिए बहुत ही प्रिय है। जब वो आपका स्वागत करता है तो आपको मन खुशियों से भर जाता है और वो इसे बिल्कुल एक मित्र की तरह बातचीत करते हैं। स्वच्छता के मूल्य से यही जुड़ाव देश दुनिया से यहां आने वाला हर साथी, जो भी राजघाट आएगा वो तो यहां आएगा ही, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी बार बार यहां आना पसंद करेंगे और अनुभव करेगा और भारत की एक नई तस्वीर, नई प्रेरणा लेकर जाएगा। साथियों, आज के विश्व के लिए गांधी जी से बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। गांधी जी के जीवन और उनके आदर्श को अपनाने के लिए पूरी दुनिया आज आगे आ रही है। बीते वर्ष जब पूरी दुनिया में गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया गया, वो अभूतपूर्व था।
गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए को अनेक देशों के गायकों ने, गीतकारों ने, संगीतकारों ने मिलकर के गाया, सीखा इस गीत को, उसके अर्थ को समझा और उसी भाव से गाया। भारतीय भाषा के इस गीत को बहुत ही सुंदर तरीके से गाकर इन लोगों ने एक प्रकार से एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विशेष आयोजन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में गांधी जी की शिक्षाओं को याद किया, उनके आदर्शों को याद किया गया। ऐसा लगता था कि गांधी जी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में, एक बंधन में बांध दिया है। साथियों, गांधी जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता देश, काल और परिस्थिति से परे है। इसकी एक बड़ी वजह है सामान्य माध्यमों से अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता। क्या दुनिया में कोई सोच सकता था कि एक बेहद शक्तिशाली सत्ता तंत्र से मुक्ति का रास्ता स्वच्छता में भी हो सकता है? गांधी जी ने ना सिर्फ इसके बारे में सोचा बल्कि इसको आजादी की भावना से जोड़ा, इसे जन आंदोलन बना दिया। साथियों, गांधी जी कहते थे कि स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं। स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को गांधी जी इसलिए इस रिश्ते के प्रति बड़े आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है तो हमारे गरीब भाई बहनों का करती है, गरीब परिवारों का करती है। गंदगी गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है, शारीरिक ताकत भी, मानसिक ताकत भी। गांधी जी जानते थे कि भारत को जब तक गंदगी में रखा जाएगा तब तक भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। जब तक जनता में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता तब तक वो आजादी के लिए खड़ी कैसे हो सकती थी? इसलिए साउथ अफ्रीका से लेकर चंपारण और साबरमती आश्रम तक उन्होंने स्वच्छता को ही अपने आंदोलन का बड़ा माध्यम बनाया। साथियों, मुझे संतोष है कि गांधी जी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है। यही कारण है कि 60 महीने में करीब करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए। इसका मतलब है आत्मविश्वास से जुड़ गए। इसकी वजह से देश की बहनों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मिली। इसकी वजह से देश की लाखों बेटियों को बिना रुके पढ़ाई का भरोसा मिला। इसकी वजह से लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला। इसकी वजह से देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, आदिवासियों को समानता का विश्वास मिला। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से
बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई, देश से बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, जो कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा। साथियों, देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या कब तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती? जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है। साथियों, स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। ये कोई एक दिन का, एक साल का, एक समय का नहीं, ये जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम है। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व तो और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद अब ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें शहर हो या गांव, कचरे का मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ही है। हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। इस संकल्प के लिए आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से बेहतर दिन और कौन हो सकता है? साथियों, देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़े, इससे अच्छा और क्या होगा? इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच से मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के दर दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक भारत छोड़ो, भेदभाव की प्रवृत्ति भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार की कुरीति भारत छोड़ो, आतंक और हिंसा भारत छोड़ो। साथियों, भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही है। इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। आइए, आज से 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस तक देश में एक सप्ताह लंबा अभियान चलाएं, स्वराज के सम्मान का सप्ताह यानी गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह। मेरा हर जिले के जिम्मेदार अफसरों से आग्रह है कि इस सप्ताह में अपने अपने जिलों के सभी गांवों में कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने पर, उनकी मरम्मत पर विशेष बल दें, उसको अभियान चलाएं। जहां दूसरे राज्यों से श्रमिक साथी रह रहे हैं, उन जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर ये काम हो। इसी तरह गंदगी से कंपोस्ट बनाने का काम हो, गोबर धन हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति हो, इसके लिए हमें मिलकर के आगे बढ़ना है। साथियों,
जैसे गंगा जी की निर्मलता को लेकर हमें उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं, वैसे ही देश की दूसरी नदियों को भी हमें गंदगी से मुक्त करना है। यहां पास में ही यमुना जी है, यमुना जी को अभी गंदे नालों से मुक्त करने का अभियान, उसको हमें तेज करना होगा। इसके लिए यमुना जी के आसपास बसे हर गांव, हर शहर में रहने वाले साथियों को उनका साथ, उनका सहयोग ये बहुत जरूरी है। और हां, ये करते समय 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम को हमने भूलना नहीं है। कोरोना वायरस हमारे मुंह और नाक के रास्ते ही फैलता भी है और फलता फूलता भी है। ऐसे में मास्क, 2 गज की दूरी और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने के नियम का सख्ती से पालन करना है। खुद को सुरक्षित रखते हुए इस व्यापक अभियान को हम सफल बनाएंगे, सब मिलकर के सफल बनाएंगे। इसी एक विश्वास के साथ एक बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब बच्चों को भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों से विश्वास करता हूं कि स्वच्छता अभियान को न कभी रुकने देना है, न कभी उसमें ढीलापन आने देना है, न कभी उसमें उदासी आने देनी है। ये स्वच्छता का अभियान संस्कार बन जाए, जीवन की आदत बन जाए, व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, गांव का, शहर का, ये अपना एक जिम्मा बन जाए। उस मंत्र को लेकर के गंदगी भारत छोड़ो 8 अगस्त हमारे लिए प्रेरणा का एक केंद्र बने, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने किया आह्वान, गंदगी भारत छोड़ो का दिया नारा। प्रधानमंत्री ने इस बात का आह्वान किया कि 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिन, इस विशेष अवसर पर हम सबको लेना होगा ये संकल्प कि हम सब गंदगी से छुटकारा पाएं। इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री छात्रों के साथ ग्रुप फोटो ले रहे हैं। छात्रों की खुशी, आंखों की चमक देखते ही बनती है। प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करने को सदा आतुर और पुरानी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए समर्थ कदम उठाने वाले ये छात्र सच्चे अर्थों में इस अभियान के अग्रणी दूत हैं। जो लक्ष्य बड़े बड़े प्रयास से संभव नहीं हो पाते, वो इन बच्चों की सकारात्मक जिद से संभव हो जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान इसका सफल उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, लेकिन आज देशवासियों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें सामने रखी और इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता और स्वराज्य पर जोर देते थे, उसी तरीके से हमें भी इस स्वच्छता के संदेश को आगे लेकर जाना है। भारत छोड़ो की सोच को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भेदभाव की प्रवृत्ति भारत छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक भारत छोड़ो, खुले में शौच की मजबूरी भारत छोड़ो, और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा नारा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया वो है गंदगी भारत छोड़ो का नारा। इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय